दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं और क्या आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं, डाइट से डीएलएड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप स्वयं से अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी दी जाएगी, उसके नोटिफिकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो अंत तक वीडियो को देखते रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चूँकि मैं बीएड कर चुका हूँ इसलिए बीएड, डीएलएड और डीएड इत्यादि संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं पोस्ट टाइटल जो है बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर 2019-21। अब इम्पोर्टेंट डेट्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट जो है इस प्रकार से है कि एप्लीकेशन बिगिन डेट, तो एप्लीकेशन मतलब आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है आपको 20/4/2019 यानी प्रारंभ हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, तो लास्ट डेट जो है अप्लाई का वह 16/5/2019 है। इसके लिए आपको आपका आवेदन 16 मई 2019 तक लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपको 30 मई को जारी की जाएगी और फर्स्ट एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट जो है आपको 19 जून को जारी किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन फी की हम बात कर लेते हैं तो 100 रुपया आवेदन फी है, कोई ज़्यादा फी नहीं है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीज नॉन रिफंडेबल, यानी 100 रुपया जो देंगे आपका नाम सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये ऐसा नहीं कि आपका फी रिफंडेबल होगा, ऐसा नहीं होगा, फी रिफंडेबल नहीं है, लौटाया नहीं जाएगा। एज लिमिटेशन, तो एज की बात कर लेते हैं तो आपका एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं तो देखिए आप लोग इंटर पास हैं, 50% मार्क है, बीसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी और PW के जो भी कैंडिडेट हैं वो 45% मार्क है तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को, आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं जिसका जिसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है उनका उनका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर अप्लाई ऑनलाइन एंड डिटेल्स, इनको क्लिक करके आप मुजफ्फरपुर के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन कैसे करेंगे, जैसे क्लिक हियर करेंगे तो जैसे इनको हम क्लिक हियर करते हैं तो क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके इम्पोर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं और टोटल सीट की संख्या को देख सकते हैं। इनको देखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप लोग पहले क्या कीजिए कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और नोटिफिकेशन में आपको एकदम फुल डिटेल्स रहेगा कि किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या सब करना है, तमाम जानकारी आप स्वयं से ले सकते हैं और वहाँ पर वो भी रियल जानकारी मिलेगी। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर, तो यहाँ पर आप लोग टच करेंगे तो आप स्वयं से मोबाइल से कर दीजिए, बेहतर होगा किसी कंप्यूटर वाले के पास जाइए कर लीजिए, क्योंकि फिर फोटो अपलोड करने में ये सब में आपको परेशानी होगी। तो ये तो रही मुजफ्फरपुर की बात, हम आपको अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी दिखाते हैं। उसके बाद पटना हो गया, वैशाली हो गया, के लिए जो है आवेदन ऑनलाइन शुरू है इसलिए क्लिक हियर, लिंक एक्टिवेट है। अब डाइट फॉरबिसगंज की बात कर लेते हैं तो टोटल 50 सीट है और यहाँ पर आप टच करके क्लिक के हियर पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन है, एक्टिव सून, यानी इनके लिए अप्लाई के लिए जो है लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है अभी फिलहाल। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, आप सर्च करते रहे कब लिंक एक्टिवेट हो जाए। डाइट औरंगाबाद, तो आपको नोटिफिकेशन में दिया रहेगा कि लिंक कब एक्टिवेट रहेगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायट जो है औरंगाबाद, इसमें 150 सीट है। नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हेयर और जो यहाँ पर है कि अप्लाई ऑनलाइन तो एक्टिव सून, तो आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप यहाँ तक पहुँच करके ऑनलाइन के लिए भी लिंक पा सकते हैं, काफ़ी बेहतर वेबसाइट है। तो इसी प्रकार से देखिए बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट के अलावा जितने जगह से भी डीएलएड और डाइट कोर्स ये संचालित किए जा रहे हैं तो इन सभी के लिए आप यहां पर लिंक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।
आप स्वयं से एकदम कर सकते हैं। इसलिए बेगूसराय के लिए करना हो तो बेगूसराय के लिए आप नोटिफिकेशन पर ये अप्लाई के लिए, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो क्लिक हियर लिखा हुआ है। भागलपुर के लिए तो यहाँ पर भी देखिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, क्लिक हियर लिखा हुआ है। बांका के लिए, उसके बाद ईस्ट चंपारण के लिए, गया, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, उसके बाद मधुबनी, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, शिवहर, वेस्ट चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, नालंदा, कैमूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी का जो है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन को भरेंगे, तो इसके लिए एक वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको टच करके आप लोग जान लीजिए कि किस प्रकार से आप अपना फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, ताकि वे भी जानकारी ले सके कि पूरे बिहार के लिए जहाँ से भी डीएलएड कोर्स किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, डायरेक्ट से डीएलएड करने के लिए सभी चीज़ों की जानकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और जानकारी ले। यहाँ पर बिल्कुल सही जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद।